हेलो एवरीवन, एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरीके की होती है। ओके, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि इनर्शियल क्या होती है और नॉन इनर्शियल क्या होती है। तो सबसे पहले लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, कोई भी गिवन सिस्टम है, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर समझ लेना। इफ इन अ गिवन सिस्टम अ फ्री ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी नॉन एक्सेलरेटेड द सिस्टम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कोई भी गिवन सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम बोले कि कोई फ्री ऑब्जेक्ट है, फ्री ऑब्जेक्ट है इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो कोई फ्री ऑब्जेक्ट है वो कोई भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि मोशन कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन अगर है फ्री ऑब्जेक्ट के केस में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला है फ्री ऑब्जेक्ट है इसका मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है इसका मतलब एफ फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, एफ फैक्टर जीरो है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए वैक्टर। ठीक है, एम डी टू आर वैक्टर बाई डी टू स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो वो चीज़ क्या है, जीरो है। ठीक है, इसका मतलब ए वैक्टर जो है वो जीरो है, इट मीन्स कि ये जो डी टू आर, मास तो जीरो होगा नहीं तो ये चीज़ जीरो होगी। ठीक है, तो डी टू आर वैक्टर बाई डी टू स्क्वायर जो है वो जीरो है। ये चीज़ क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी बाय डी टी ऑफ डी आर वैक्टर बाई डी टी, और डी आर वैक्टर बाई डी टी खुद क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी वी वैक्टर बाई डी टी वो हो गया जीरो। ठीक है, अगर किसी चीज़ का टाइम के साथ में डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि वो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, इट मीन्स ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब वी वैक्टर कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, कोई फ्री ऑब्जेक्ट है अगर वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब वो नॉन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो से हमने निकाल लिया कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी कोई फ्रेम है तो वहाँ पर पार्टिकल जो है, अगर वहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कैसे मूव करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो जिस अगर कोई भी मतलब पार्टिकल है, जब उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो अगर रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट के स्टेट में रहेगा, और अगर वो मोशन के स्टेट में है तो मोशन के स्टेट में रहेगा। ठीक है, यानी चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। आप जैसे कि आप लोग मान लो कोई भी बस है या फिर कोई भी ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी बस है, कोई भी ट्रेन है, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, तो चाहे वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, लेकिन जो यहाँ पर पैसेंजर है वो कोई भी किसी भी तरह का एक्सेलरेशन या किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि कोई भी पैसेंजर विल नॉट फील एनी फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये आइदर रेस्ट पे होगी, दीज आर आइदर एट रेस्ट, या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मूविंग विथ द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी।
यानी कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर दूसरी हमारे पास में आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, देखो इसकी भी पहले डेफिनेशन लिख दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच मोशन ऑफ अ पार्टिकल अपीयर्स टू बी एक्सेलरेटेड इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फिर भी पार्टिकल का जो मोशन है वो हमको कैसा लग रहा है, एक्सेलरेटेड लग रहा है। ठीक है, यानी पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड लग रहा है इसका मतलब कि वो कैसी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, जैसे कि कोई पैसेंजर है, ठीक है, वो किसी बस या ट्रेन में बैठा है और वो एक्सेलरेट कर रही है। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो अगर उसके ऊपर हम लोग फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो भी उसके ऊपर क्या होगा, पीछे की तरफ वो एक धक्का हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस है पुश बैकवर्ड्स। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी उस पैसेंजर को थोड़ा हम धक्का मार रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस या ट्रेन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उस वजह से उसको पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। इस चीज़ को जो इस तरह का फिनोमिनन होता है वो किस में हम लोग स्टडी करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन फिर भी उसका मोशन कैसा लग रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन लग रहा है। इसको समझने के लिए आप लोग ये मान लो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। ठीक है, ये मान लो आप लोग कि मूव कर रही है, ये मूव कर रही है वेलोसिटी वी के साथ में। ठीक है, इसको हम वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ मान रहे हैं, और जो एस वाली है ना उसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको एस डबल डैश ले लो, इसको एस डैश ले लो, यहाँ पर एक और बना दो एस फ्रेम। ठीक है, ये पूरा आप लोग हो गया। ये हम लोग मान लेते कि एक्सलरेट कर रही है, एक्सलरेशन इसका dv बाय dt है। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि कौन सी फ्रेम कैसी है, ये कैसी है, रेस्ट पर है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये दोनों जो है ना उनको तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और यहाँ पर जो ये वाली है यानी कि जो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एस डैश, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। नॉन इनर्शियल के जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, कोई भी एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में या फिर कोई भी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, तो वो इस केस के अंदर आ जाएगी। और इनर्शियल यानी कोई भी रेस्ट के ऊपर है या फिर कोई भी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो इस केस में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई कंसेप्ट तो वो क्लियर हो गया। ओके, तो अभी ये था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, बाय।